हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अकेडमी क्लासेस। सो गाइस, आज हम सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर 11 पढ़ने वाले हैं और उसमें हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और व्हाट आर देयर लोकेशंस, कि कितने अगर हमारे पास कोई गिवन क्रिस्टल है, उसका अरेंजमेंट है, उसके अंदर कितने टेट्राहेड्रल नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे, कितने नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, उन सबको हम डिडक्ट करेंगे आज। सो हेडिंग डालिए आप नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड देयर लोकेशंस, ऑक्टाहेड्रल भी डाल दीजिए। ओके, दोनों डिस्कस करते हैं आज ऑक्टाहेड्रल। Now, लिखो, नोट डाउन करो, इफ हेडिंग डालो नाउ क्या है, इफ देयर आर, नाउ क्यों लिख दिया मैंने, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ एटम्स, एन नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, राइट, देन तब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके बराबर होंगे, एन के बराबर, एन के आपके नंबर ऑफ एटम्स के बराबर, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो किसके बराबर हो गए, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ये फॉर्मूला जो है बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर एक्चुअल सेंस में देखा जाए तो इसी फॉर्मूले का यूज है ना, लेकिन क्योंकि सॉलिड स्टेट आपका जो आपको चीजें इमेजिन करनी पड़ती है, तो इन वॉइड की जो पोजिशन है वो बताना बहुत जरूरी है। ओके, सो नोट डाउन कर लिया इतना। चलिए अब क्या करते हैं, बेसिकली अब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को निकालते हैं। जो ये फॉर्मूला आप देखना, ये कैसे एप्लीकेबल होगा। ओके, अच्छा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे होता है। जब हम 2DHCP को हमने रखा था, जो तीसरी लेयर को रखा था दूसरी लेयर के ऊपर, तो वहाँ पर दो तरीके वॉइड बने थे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नाउ टेट्राहेड्रल वॉइड अगर मैं गाइस ड्रॉ करूँ तो कैसे बनेगा, तीन बॉल्स ऐसे होती हैं अपर वन में, और एक बॉल जो होती है वो कहाँ पर होती है आपकी, इनके बीच में। ओके, सो ये जो वर्ड होते हैं इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड। ओके, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड गाइस क्या था, उसमें आपको क्या करना था, छह स्फीयर्स को रखना था, उनका जो एरो हेड था या एपेक्स बोल लो आप, वो किस साइड में आएगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, है ना। सी, लेट मी शो यू हाउ। ओके, कैसे बनेगा वो, ये वाला इधर, ये वाला एटम और ये वाला एटम, इस तरीके का बनता है। जो वॉइड यहाँ पर बनता है वो इस तरीके का बनता है गाइस, लाइक दिस। सो दैट्स व्हाई दिस वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड पे आते हैं, उसके बाद हम ऑक्टाहेड्रल को पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम पोजीशन निकालने जा रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की, वो कहाँ पर होती है हमारी यूनिट सेल में। ओके, सो इसके लिए इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट डाउन हो गया ये, वैसे ही बताया हुआ ऑलरेडी आपको, प्रीवियस लेक्चर था जो हमारा, प्रीवियस नहीं मतलब दो तीन छोड़ के जो पहले था क्लोज पैकिंग, उसमें बताया, वहाँ पर जा करके देख सकते हो। ओके, नाउ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, ये तो आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड वो आपका कहां पर बनता है, CCP में बनता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग जब हम पढ़ रहे थे तब बना था उसके अंदर, है ना। सो टेक अ, टेक अ यूनिट सेल ऑफ, टेक अ यूनिट सेल ऑफ FCC या फिर CCP सिस्टम, ओके, एंड डिवाइड इट इंटू एट पार्ट, डिवाइड इट इंटू एट पार्ट्स, ठीक है। हमें क्या करना है, एक यूनिट सेल लेनी है FCC या CCP की और उसको एट पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ओके, नाउ प्लेस द एटम्स एट द ऑपोजिट ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ
एग्जिट कॉर्नर ऑफ दैट पार्ट, ठीक है, आठ पार्ट में से एक पार्ट लेना है और क्या करना है, जो उसका अल्टरनेट कॉर्नर्स है उनके, ठीक है, उनके ऑपोजिट में हमें क्या रख देना है, एटम्स रख देने हैं, ओके। एंड नाउ प्लेस द एटम एट द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ दैट पार्ट एंड आफ्टर जॉइनिंग देम वी गोट अ टेट्राहेड्रल वॉइड। टीवी से लिख रहा हूँ मैं इसको, ओके। नाउ अब इस बात को समझो कि ये मतलब क्या है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक यूनिट सेल बना के लेके चल रहा हूँ, CCP या आप HCP बोलो उसको, SCC, ठीक है। देखो कैसे आप भी बना सकते हो इसको, कोई बहुत सिंपल है ये, एक दो और तीन, आपको ऐसे मारना है इसमें, ओके, तीन तीन लाइंस लाइक दिस, है ना। तीन और बनाओ इसके नीचे, सेंटर से हमको साइड करने चाहिए इनके, इसके बिल्कुल नीचे लेना है यहाँ पर, और एंडिंग भी इसकी यहाँ पर होनी चाहिए, इसके नीचे एक और लो यहाँ पर, बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो। ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, ओके। एक और लो, बिल्कुल सेम पैरेलली लाइन मारो यहाँ से लो फिर, और इस केस पे एंडिंग बिल्कुल यहाँ पर, अब इनको कर दो जॉइन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, पॉइंट्स को मिलाना है। पॉइंट्स को कैसे मिलाना है, इस पॉइंट को मैं इससे मिला देता हूँ, मिल गया। इस वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा इधर हो गया ना, इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं, इसके नीचे मिडल वाले के साथ जाएगा, यहाँ से क्यों नहीं लिया, यहाँ से ले रहा था। अब खींचो इसको ऐसे, यहाँ से जा करके इस पे मिलेगा, यहाँ से जाएगा फिर ये, और इसको यहाँ से ऐसे करो, रख करके थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, परफेक्शन नहीं आई इतनी, ओके हो गया। सिमिलरली इनको ज्वाइन कर दो आप, इसको इससे, कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले से, और मिडल वाले को मिडल वाले से, इतना बन गया। अब क्या करना है, जो इसका ये वाला है इसको बिल्कुल नीचे वाले के साथ ज्वाइंट करो, इसका ये वाला ज्वाइंट हो गया आपका नीचे वाले के साथ, मिडल वाला जो जाएगा आपका मिडल वाले के साथ, और जो ये वाला पोर्शन जाएगा आपका अपर वाले, इन तीनों को भी आप ज्वाइन कर दो लाइक दिस, ठीक है, इनको मिला दो। बात समझ में आया? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक यूनिट सेल ले ली, FCC की बोलो आप या फिर CCP की बोलो, ओके। और क्या बोला था, अच्छा ये बताओ मेरे को, क्या स्ट्रक्चर लिया हमने, FCC या CCP? तो CCP में पार्टिकल्स कहाँ पर होते हैं, पार्टिकल्स एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, ओके। क्योंकि मैंने आपको बताया था, आप जब भी CCP की कैलकुलेशन करते हो तो आपको FCC कंसीडर करना होता है फॉर द कैलकुलेशंस, ओके। सो पॉइंट लगाओ यहाँ पर, सेंटर पे, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर में, एक दो तीन चार। अब इसके पार्ट्स पे मत जाओ, अभी आप इसको एक होल यूनिट समझो, ओके। एक यूनिट है ये, कॉर्नर पे चार पाँच आठ हो गया, और फेस के सेंटर में, इस पूरे का फेस कौन सा है, ये वाला फेस सेंटर, दो तीन चार पाँच और छः, ओके यहाँ तक हो गया। अब देखो ये क्या है बेसिकली, ये यही वाला अरेंजमेंट है ना, इस पूरी यूनिट सेल को आप एक मानो, ओके, एक कंसीडर करो, और हमने क्या किया, इसको आठ पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे ही कर दिया। अब वो क्या बोला था, FCC अरेंजमेंट है, कॉर्नर पे होंगे, देखो ये देखो, आप खाली ग्रे वाले उनको कंसीडर करो, हरे वालों को भूल जाओ, वो एज अ कनेक्टर काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो जो ग्रीन वन है उनको आप भूल जाइए, ठीक है। तो ग्रे वन को देखिए, ग्रे वाले आपके कॉर्नर पे हैं, एक दो तीन चार, और फेस के सेंटर में है। यहाँ पर भी आप देखोगे ग्रे वाले कहाँ पर, आपके कॉर्नर्स पे,
फेस सेंटर पे, कॉर्नर्स पे फेस सेंटर पे, कॉर्नर्स पे फेस सेंटर और कॉर्नर, ठीक है। तो ये वाला अरेंजमेंट है। अब क्या करना है आपको, आपको इसका एक यूनिट सेल ले लेना, इसको 8 पार्ट में डिवाइड करके एक इसका यूनिट सेल ले लो, ये वाला जिसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ। कौन सी यूनिट सेल लेते हैं अपन, ये वाली, ये वाली यूनिट सेल ली, ये वाली ले ली, इनको ज्वाइन कर दो, दिख रहा है ये वाली यूनिट सेल। मैं इसको कलर कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको आसानी हो देखने में। तो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली यूनिट सेल इसको ले ले रहा हूँ, ये वाली जो यूनिट सेल है, ये वाली, इसका अपर फेस हो गया, ओके, ये इसका मिडल हो गया। सो इस यूनिट सेल को अगर आप ले लेते हो गाइस, सो आपका यूनिट सेल कैसे निकलेगा, इसको करते अभी रब कर देते हैं इसको स्पेस बनाने के लिए, ओके। टेट्राहेड्रल वॉइड हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी काफ़ी बचा हुआ है। तो पहले तो ये बात समझ में आ गई ना, एक यूनिट सेल ली, उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है ना, लेकिन जो CCP होती है वो क्या होती है हमारी, FCC एटम्स कहाँ पर रहते हैं, उसके फेस के सेंटर में और कॉर्नर्स पे, वो कर दिया। अब 8 में से एक पार्ट ले लिया, और गाइस जिसका आप एक पार्ट देखोगे ना, तो जो एटम्स है वो बोल रहा था कि अल्टरनेट कॉर्नर पे, तो एक यहाँ पर और दो यहाँ पर, ओके, दो तो यहाँ पर हो गए और दो यहाँ पर। मैं इसको बना लेता हूँ अलग से, जो यूनिट सेल मैंने बनाई उसको निकाल लेता हूँ। ये वाली यूनिट सेल मैंने निकाली है। अब एटम्स देखो उस पर कहाँ कहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर रखा हुआ है एक, यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है गाइस। सो ये चार वॉइड आपने कहाँ रख दिए, इसके ऑपोजिट और अल्टरनेट बोल लो या ऑपोजिट बोल लो आप, कॉर्नर्स पे रख दिए। अब क्या करो, इनको आप ज्वाइन कर दो। जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखो, इसको आप पहले तो ज्वाइन करो, करो इसको ज्वाइन, इनके सेंटर्स को किया, कर दिया ये सारे एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर जो वॉइड बनेगा दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पर एक वॉइड बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। आप समझ भी सकते हो, देखो बात बिल्कुल क्लियर है, टेट्रा मतलब जो चार चीज़ों से मिलकर बनाओ, टेट्रा मतलब किससे मिलकर बनाओ, चार से, तो इसको चार एटम ने घेर रखा है। सो चार एटम्स जब ऑक्यूपाई कर रहे हैं इन पोजीशन जो है अल्टरनेट कॉर्नर्स की, वहाँ पर जो आपका होल बन रहा है, जो वॉइड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके। इतना बात समझ में आया, अच्छा ये हमने क्या लिया था, ये गाइस हमने लिया था CCP, ठीक है, बिल्कुल पहले केस में कंसीडर करके चले थे। तो जेड इफेक्टिव कितना है CCP के अंदर, 8 कॉर्नर पे होते हैं, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेस पे एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, सो टोटल हो गए 4। इसका मतलब एन की वैल्यू, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए, 4, ओके। नाउ अब देखो, अगर मैंने इस यूनिट सेल का एक पोर्शन लिया है उसमें एटम रखे, तो उसमें कितना वॉइड बना, टेट्राहेड्रल एक, यहां पर ऐसी ऐसी कितनी क्यूब है इसके अंदर, 8, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, 8। बात समझ में आया, सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हुए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 8। बात समझ में आई, जब एक क्यूब ली हमने, एक पोर्शन लिया इस यूनिट सेल का, और उसके सेंड आपने जो क्या किया, अल्टरनेट या ऑपोजिट बोल लो आप, उनके जो कॉर्नर्स थे उन पे एटम लगा दिए, तो वहां पर एक टेट्राहेड्रल बन जाता है, इस तरीके का बनता है वो, ये वाला, ये जो वॉइड बनता है गाइस, वो वहां पर क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब खुद इमेजिन करो, मैंने इस क्यूब को 8 पार्ट में डिवाइड किया है, 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो कितने बनेंगे टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड, कितने हो गए, 8, ओके। अब देखो इसको विजुअलाइज करो चीजों को, नाउ इसको और इसको कंपेयर करो,
ये देखो किया, इसमें सबसे पहले देखो इसमें आपको 8 दिख रहे हैं, 8 क्यूब है, देखो 4 4 इस साइड में है, 4 इस साइड में, सो टोटल कितने हो गए 8। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसको और इसको ऐसे रख लो, है ना। सो मैंने ये वाली एक पर्टिकुलर क्यूब निकाल लिया गाइज, और इसके जो यहाँ पर आप खाली ग्रे को कंसिडर करो, ग्रे वाले में अगर आप देखोगे तो ये वाले इस फेस को देखो, इस यूनिट सेल की बात करो जो नीचे वाला पोर्शन है, सो ये वाले जो तो ग्रे हैं, ये और ये ऑपोजिट पे हैं, ग्रीन वालों को भूल जाओ, ग्रीन वालों समझे वो है ही नहीं। तो इसको और इसको देखो, ग्रे वालों को दिख रहा है, और इस ग्रे के अपोजिट एक और ग्रे है, ये और ये, तो ये जब दोनों कंबाइन करेंगे गाइस तो यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके नाउ अब ये एक क्यूब है, इसके अंदर ऐसे ऐसे कितनी क्यूब है गाइस, 8 क्यूब है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 8। यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं कि पोजीशन कहाँ पर होगी, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, पोजीशन भी बड़ी सिंपल है, कुछ है नहीं उसके अंदर, अभी देखते हैं इसको। पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, देखो गाइस, इस क्यूब के अंदर, हर एक क्यूब के अंदर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये हमको पता लग गया, ठीक है, पता लग गया। अब मैं क्या करूँगा, इस बॉडी डायगोनल जो होता है, देखो आप किसी कमरे में बैठे हो या इसको कमरा कंसीडर करो, तो इसके आपके 8 कॉर्नर है ना, सो दो जो ऑपोजिट कॉर्नर को मिलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल बोलते हैं। अगर मैं ऊपर वाला देखूँ जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, और नीचे वाला दोनों एंड, तो यहाँ पर ये देखो आप, क्या आप वो वाला एंड देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि वो बिल्कुल क्या ऑपोजिट में है इसके। सो ये देखो, ये वाले जो दो कॉर्नर जो मैंने पकड़ रखे हैं, अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ गाइस, इनको मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ मैं इनको, इस वाले कॉर्नर को और इस वाले कॉर्नर को, तो एक बॉडी डायगोनल बनेगा। ये बात समझ में आई, क्या बनेगा, कि बॉडी डायगोनल बनेगा। और एक बॉडी डायगोनल पे देखो, एक इसके सेंटर में है, क्यूब के सेंटर में मत बोलो, क्यूब के अंदर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। सिमिलरली जो इसके ऑपोजिट में क्यूब है, उसके अंदर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। सो इस डायगोनल पे, बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड आ गए। बात क्लियर हुई, एक तो ये क्यूब ले लो, एक इसके अपोजिट में क्यूब ले लो, दो कॉर्नर को मिला दो, दैट इज द बॉडी डायगोनल बनेगा। सो एक इस क्यूब के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक इसके अपोजिट में जो क्यूब है उसके अंदर, सो ये दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड किस में आ गए आपके गाइज, किसके अंदर आ गए, वो आपके आ गए एक बॉडी डायगोनल के अंदर। ओके तो यहाँ तक हो गया। अब देखो पोजिशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर है, एक डायगोनल पे टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल, है ना। और नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होते हैं गाइज, आपके 4 होते हैं एक के अंदर, समझ रहे हो गाइज, क्या हो रहा है इसके अंदर आपका, एक बॉडी डायगोनल के अंदर आपके 4 आ रहे हैं, है ना, सॉरी 4 बॉडी डायगोनल आपके पास एक क्यूब के अंदर, और एक डायगोनल पे कितने आ रहे हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 8। आप ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, मैंने क्या बोला था कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, तो 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने सीसीपी के अंदर, 4, दैट इज इक्वल टू 8, बन गई बात। अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने बोला कहाँ पर, बॉडी के डायगोनल पे, बॉडी डायगोनल मतलब क्या करो आप, इस वाले कॉर्नर को उस वाले कॉर्नर से मिला दो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिलाता हूँ गाइज, इस वाले कॉर्नर को, ये वाला डायगोनल, तो इसके डायगोनल पे 2 प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। ओके अब ये तो बॉडी का सेंटर है, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि 2 ही है, ये तो बॉडी सेंटर है, इसको इंक्लूड मत करो। सो चलिए गाइस, जो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ा है उसको हम क्या कर लेते हैं अभी, उसकी जो समराइज कर लेते हैं उसको, है ना, समराइज से क्या होगा, चीज़ें एक बार माइंड में बैठ जाएंगी। ओके सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट गाइस आपका क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट जो आपका होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एन के बराबर, फिर एन क्या है, वेयर एन इज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया था गाइज हमारा, कि बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल आपके पास कितने हैं, 4,
नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4। अब देखो पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर है, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड दैट इज किसके ऊपर है, मतलब दो टेट्राहेड्रल वॉइड जो आपके प्रेजेंट है कहां पर, ईच ऑन द टू ऑन द ईच बॉडी बॉडी डायगोनल, ठीक है, टू टेट्राहेड्रल वॉइड ऑन ईच, टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितना हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ओके ये भी क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या था आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वो कितना था गाइस, 4। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको 4 आइटम्स रखने थे क्यूब के अंदर, कैसे, ऑपोजिट कॉर्नर्स पे रखने थे, दो इधर रखने थे, सिमिलरली नीचे वाले फेस में दो ऐसे रखने थे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा वॉइड का, 4 हो जाएगा, ओके। नाउ फिफ्थ वन क्या था, डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम द कॉर्नर एटम कितना था, फ्रॉम द कॉर्नर एटम इज इक्वल टू √3a/4। ये कैसे था, अब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपने बॉडी डायगोनल लिया, आपने ये कोई AD लिया, इसकी पूरे की लेंथ कितनी है गाइस, √3a, या फिर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ओके इसमें क्या क्या था, यहाँ पर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट था, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट था, ये क्या था आपका बॉडी सेंटर था, और ये क्या थे कॉर्नर थे, ये क्या था कॉर्नर, सो जो ये वाला डिस्टेंस है √3a/4, ठीक है हो गया। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, वो अपना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओके हेडिंग डालो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, रब कर दें इसको, चलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड हेडिंग डालो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओके। देखो सबसे पहले तो ऑक्टा का मतलब समझो क्या होता है आपका, ऑक्टा मीन्स जो गाइस होता है आपका होता है 6, ऑक्टा का मीन्स आप 6 कंसीडर करके चलो कि जब भी 6 एटम सराउंड करते हो तो आप वहां पर वर्ड आता है ऑक्टा, ओके। नाउ सबसे पहले क्या करना है, यूनिट सेल लेनी है, टेक अ यूनिट सेल ऑफ CCP या फिर FCC, कुछ भी बोलो आप, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही बात है ना, मैं ले लेता हूँ एक यहाँ पर, तो इसको ध्यान से देखो, इधर बनाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है गाइस, ये मैंने क्या ली, यूनिट सेल ले ली FCC की। अब FCC जब अरेंजमेंट होती है गाइस, तो एटम हमारे कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं प्लस फेस के सेंटर में होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं कॉर्नर वाले नहीं ले रहा हूँ, मैं फेस सेंटर ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समझाना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा वो बताना है। देखो 6 फेज आपके, ये हो गया लेफ्ट में, राइट में हो गया, ये टॉप में हो गया, ये बॉटम हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये रियर हो गया, ठीक है, 6 वॉइड हुए टोटल, सॉरी 6 हाँ एटम हो गए। अब देखो गाइस इन 6 एटम्स के बीच में जो वॉइड बनेगा ना, ये वाला वॉइड यहाँ पर जो जगह बनेगी, दैट इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या बोलेंगे उसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओके यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कैसे, इसको 6 एक सराउंड करेंगे, देखो एक तो ये वाला लेफ्ट वाला सराउंड करेगा, एक ये राइट वाला करेगा, टॉप वाला भी कर रहा है, बॉटम वाला भी, एक इसकी फ्रंट में एक रियर में है, ठीक है, ऐसा मैं दिखाता हूँ आपको, ये बिल्कुल ऐसे अरेंजमेंट, इसको देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको, ये देखो ये जो दिख रहा है ग्रीन वाला, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको 6 एटम सराउंड कर रहे हैं, 1 2 3 4
पांच और एक नीचे वाला छः, और क्लियर भी देखो दिख रहा है छः एटम देखो। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके नाउ अब क्या करो, आप अपना यूनिट सेल बना लो जो बड़े वाला है उसको एट पार्ट वाला, लेकिन वो एक ही चीज़ है, इस बार एट पार्ट में डिवाइड नहीं करना। ओके देखो कैसे बनाते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, आप कंफ्यूज मत होना कि इसको मैंने एट पार्ट में डिवाइड क्यों किया है। एट पार्ट को भूल जाओ, वो बस मैंने आपको फेस का सेंटर दिखाने के लिए किया है। ओके अब देखो एट इस पे वो एटम्स रखो इसके फेस के सेंटर में, एक दो तीन चार पाँच छः, बात समझ में आया। सो यहाँ पर जो वॉइड बनेगा ना गाइस, ये बॉडी के सेंटर पे ये वाला, नाउ दिस इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर छः समझ में आया कैसे, एक दो ये राइट में तीन चार, एक ये अपर वाला पाँच और एक लोअर छः। सो छः आइटम इसको सराउंड करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो इसका, छः। सो यहाँ पर पोजिशन लिखो, क्या लिखोगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। क्लियर हुई यहाँ तक बात, नहीं हुई तो एक मिनट रुको, क्या करने जा रहे हैं हम, आपको दिखाने जा रहे हैं, ये लो ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है, सेम स्ट्रक्चर है, ग्रीन वालों को भूल जाओ, ग्रे वाले खाली काउंट करो, कॉर्नर पे है ओके और फेस के सेंटर में है, गॉट इट। अब देखो जो क्या करो आप, इस जो हरा ग्रीन वाला ग्रीन वन दिख रहा आपको, ये वाला ग्रीन, ये दिस वन लुक एट इट, इस ये वाला ग्रीन जो है, एक मिनट में इसको थोड़ा पीछे से पकड़ लेता आपको दिखे, ये वाला ग्रीन बॉडी के सेंटर में है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो छः कौन कौन सराउंड कर रहे हैं इसको, एक तो ये कर रहा है दिखा, एक इसके अपोजिट में बिल्कुल ये वाला, तो एक इसके राइट में ये वाला, ये तीन, एक इसके लेफ्ट में चार, एक इसके टॉप में पाँच और एक इसके बॉटम में छः, तो ये क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। आई होप समझ में आया। सो एक पोजिशन तो गाइस होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, कहाँ पर, बॉडी सेंटर में। दूसरा कहाँ पर होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड is also present at, also present at the edge center, कहाँ पर present होता है, आपके edge के center में, मतलब ये कोई edge ले लो आप, इसके center में जो atom होगा वो भी कैसा formation होगा, वहाँ पर भी आपका octahedral void का formation होगा, let me show you how। इसको देखो गाइस, ये वाला एटम है, ऑक्टा मींस छः बताया मैंने, सो इस ये वाला एटम आपको दिख रहा है, ये कोई एज कंसीडर करो आप, पूरी एक एज है, ये कॉर्नर पे एटम है, ये कॉर्नर पे एटम है, ये एज के सेंटर में है। अब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा है देखो, इसको छः एटम सराउंड कर रहे हैं कैसे, वेट देखो इसको छः कैसे सराउंड कर रहे हैं, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से करेंगे, एक दो ठीक है तीन चार, चार तो हो गए, एक एक इसके अपोजिट में बिल्कुल दो, तीन एक इसके अपोजिट में आएगा यहाँ पर चार, चार आया ये आया, फिर एक ये पांच, ये वाला ये पांच, एक इसके अपोजिट में आएगा बिल्कुल छः, छः दिख रहा है, छः हो गए इसका, क्योंकि कोई भी आप एज सेंटर का आइटम लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इस, छः हो जाएगा, क्यों, इसको देखो ये एज पूरी एज कंसीडर करो इसको, इसके सेंटर में कोई आइटम है वो कितने शेयर है, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः आइटम्स को सराउंड कर रहे हैं ठीक है ओके। सो क्या हो गया आपका, पोजिशन क्या होगी सेंटर की, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन होगी गाइस आपकी एज सेंटर। अब टोटल नंबर ऑफ एज कितनी होती है, टोटल एज जो अब आपकी होती है वो कितनी होती है 12, और कंट्रीब्यूशन ऑफ पर एज कितना होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट
एट एज सेंटर, एज सेंटर इज इक्वल टू 1/4। जो एज पे आइटम होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है गाइस? 1/4 होता है। देखो कैसे, लेट मी शो यू। ये वाला यूनिट सेल कंसीडर करो आप, ये वाला आपकी तरफ जो है, ये वाला, इसकी ये वाली एज ले लो, इनर वाली, इनर वाली एज आपने ली, दिख रही है ये वाली, ये वाली एज, ये दिख रही है। अब इसको कितनी यूनिट सेल शेयर कर रही हैं? एक तो ये वाली, एक दो तीन और एक चार, इस वाली एज को चार यूनिट सेल, चाहे आप ये वाला ले लो, इस वाली एज को भी चार यूनिट सेल शेयर कर रही है। सो यहाँ पर जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा एटम, उसको चार यूनिट सेल। अगर आप इससे समझना चाह रहे हो बड़े वाले से, यहाँ पर देखो, मान लो एक एज है, इसके सेंटर में एक एटम है, ठीक है। सो एक तो ये यूनिट सेल शेयर कर रही है इसको, एक फिर इसके साइड में बनेगी दो, एक इधर बनेगी इसके तीन, एक इधर बनेगी चार, तो इसका कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो, सो द नंबर ऑफ एटम्स देखो कितने हो जाएंगे। सो द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए? एक, जो कहाँ पर है, बॉडी सेंटर में, प्लस 12 एज होती है, एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 है, यहाँ पर 12 लिख लो, एट एज सेंटर इंटू 1/4। सो 1 प्लस इसको खा जाएगा 3, 1 + 3 = 4। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो थे आपके गाइस कितने आए हैं? 4 आए हैं। जेड कैलकुलेट करो, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इन सीसीपी किसके बराबर होता है? 8 कॉर्नर पे प्लस 6 फेस में, तो किसके बराबर आ गया? 4 के। सो मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर 2 times, ओके? जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो 2 times होते हैं जो आपके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं गिवन, ओके उनके। तो ये सब था आपका, समझ में आ गया आपको कि कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा, ऑक्टा मीन्स 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है, आप काउंट भी कर सकते हो। लेट मी शो यू, 1, 2, 3, 4, एक पीछे वाला 5, एक ये 6, ठीक है। एज का मैंने दिखाया आपको, एज वाले का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होगा, एज के सेंटर में जो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो ऑल दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द एज सेंटर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हो गया। इसके बाद हम कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे NaCl का है, या फिर आपका जिंक सल्फाइड का है, ओके, या सीजियम क्लोराइड का है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।